दुश्मन कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। पुरजम और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और एकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में इजहार ख्याल। तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ कल पेशावर हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान। मरकजी तर्जुमान मुअज्जम भट्ट ने पिटीशन तैयार करने की तस्दीक कर दी। और दमिश्क के करीब इसराइली हमले में ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के कमांडर जामहक नितिन याहू ने गजा में फौजी कार्रवाइयां मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया।